भारत को लेकर अमेरिका ने किया खतरनाक खुलासा, चीन की टेंशन बढ़ी। फिर से भारत की सीक्रेट तैयारी का अमेरिका ने कर दिया खुलासा, भारत हुआ अमेरिका से खफा। भारत के अंदर तैयार हुआ ऐसा विध्वंसक हथियार जिसकी जद में आया पूरा चीन। रूस, भारत को मिली बड़ी सफलता, जल्द आएगी हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, आखिरकार जिस बात का डर था अमेरिका ने वही कर दिया। अमेरिका ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। अमेरिका ने फिर से भारत की सीक्रेट जानकारी का खुलासा कर दिया। इस खुलासे से आर्थिक तबाही की मार झेल रहे पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन की टेंशन बढ़ रही है। दरअसल अमेरिका के फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट यानी कि FAS ने भारत को लेकर एक ऐसी बात दुनिया के सामने रखी है जिससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी तैयारियों को रिवाइंड करके देखने की जरूरत पड़ रही है। चीन समय समय पर भारतीय सीमा में अपनी सेना की घुसपैठ करने से बाज नहीं आता। अभी हाल ही में त्वांग सेक्टर में चीन ने भारतीय सीमा के अंदर 200 से अधिक सैनिकों की घुसपैठ कराई थी, लेकिन भारतीय सेना ने पीट पीट कर उनको वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो भारत अपनी सीमा की निगरानी के लिए कई ठोस कदम उठा रहा है। उधर अमेरिका भी भारत और चीन, साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उन पर बारीकी से नजर रख रहा है। साथ ही अमेरिका ने कई ऐसे खुफिया एजेंसियों की स्थापना कर रखी है जो दुनिया भर में तैयार किए जा रहे हथियारों पर नजर रखती है। और इसी तरीके से अमेरिका भारत पर भी बड़ी बारीकी से नजर रखता है। और इसी बीच भारतीय हथियारों को लेकर अमेरिका को ऐसी जानकारी हाथ लगी कि अमेरिका तक दंग रह गया। वहीं अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के भरोसे पर खरा नहीं उतरता है। जैसे ही अमेरिका को इस बात का अंदाजा हुआ कि भारत के अंदर कई ऐसे विध्वंसक हथियारों का निर्माण किया गया है जो चीन जैसे देश को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, अमेरिका के द्वारा इसको लेकर पूरी दुनिया के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। दोस्तों, रूस और अमेरिका में यही फर्क है कि रूस भारत को ताकतवर बनाने के लिए हथियारों की तकनीक साझा करने से पीछे नहीं हटता, तो वहीं अमेरिका भारत की तरक्की को देखकर जल भुन जाता है। भारत की कोई भी सीक्रेट जानकारी को सीक्रेट नहीं रहने देता, फौरन ही दुनिया के सामने उसकी जानकारी पेश कर देता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ओर से भारत को लेकर कौन सा नया खुलासा किया गया है। साथ ही आपको बताएंगे रूस और भारत मिलकर जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करने वाले हैं जो भारत के दुश्मन देश के लिए बड़ी खलबली मचा देगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब 100 किलोवाट क्षमता वाले लेजर लाइट के निर्माण पर भारत ने काम शुरू किया था तो उस वक्त भी अमेरिका ने इस भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया में रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट से पाकिस्तान को अलर्ट रहने के संकेत मिले थे। दरअसल भारत का यह प्रोजेक्ट दुर्गा 2 से जुड़ा हुआ था और अमेरिका से दुनिया भर में बनाए जा रहे खतरनाक हथियारों की सूची बनाई गई थी जिसमें भारत के दुर्गा 2 को भी शामिल किया गया था। तब इसी प्रकार ही कुछ फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा भारत के हथियारों को लेकर एक बार फिर से रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का टारगेट अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन बन गया है। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का परमाणु क्षमता बढ़ गई है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट का दावा है कि भारत अपनी परमाणु ताकत को पिछले 2 सालों से बढ़ा रहा है। अमेरिका के इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 8 सिस्टम परमाणु क्षमता से लेस हो चुके हैं। इतना ही नहीं, FAS के द्वारा इस रिपोर्ट में इन 8 सिस्टम के ऊपर बड़ी बारीकी से खबर पेश की गई जिसमें बताया गया कि इन 8 परमाणु सिस्टम में से 4 जमीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही भारत आसमान और समंदर में भी परमाणु हमला करने में सक्षम हो गया है। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 2 ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके उपयोग से एयरक्राफ्ट से भी परमाणु हमला किया जा सकता है। वहीं 2 सिस्टम ऐसे हैं जिनसे समुद्र के सबमरीनों से भी परमाणु बारूद दागा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी बताया है कि जल्दी 4 और नए हथियार भारतीय बेड़े में शामिल होने वाले हैं और इनकी जो सबसे बड़ी बात है वह है इन हथियारों की जद में पूरा चीन आ जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के अंदर मौजूद कुल परमाणु हथियारों की संख्या पर भी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने खुलासा किया जिसके मुताबिक भारत के अंदर 160 परमाणु हथियार मौजूद है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे जो कुछ भी FAS ने कहा उसके बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मचना तो तय है।
दरअसल अमेरिका का कहना है कि भारत के पास इतने संसाधन हैं, इतना रॉ मटेरियल्स है कि भारत के वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं कि वे चाहे तो 160 परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाकर 213 कर सकते हैं। यानी कि भारत के अंदर वह काबिलियत है कि नए 53 परमाणु हथियारों को बनाया जा सकता है। वहीं चीन के लिए डराने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का दावा कि भारत जो परमाणु तैयारी कर रहा है वह चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। दोस्तों यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर, अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस बहुत तेजी से मिशन बाहुबली में जुट गया है। लक्ष्य साफ है कि अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान की तरकस में एक बहुत ही घातक मिसाइल शामिल होने जा रही है। यह मिसाइल एंटी सिप तो होगी, साथ ही सरफेस टू सरफेस में भी तबाही मचाएगी। वहीं एयर टू एयर में भी दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए फाइटर जेट में उपयोग की जा सकेगी। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि यह सबमरीन से और फाइटर जेट के जरिए भी दागा जा सकेगा, तो वहीं मोबाइल लॉन्चर से भी प्रहार किया जा सकेगा। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल को बेमिसाल स्पीड देने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिसका परीक्षण भी अभी बीते 2 दिन पहले सफलतापूर्वक कर लिया गया। उधर इस व्हीकल के सफल होते ही DRDO के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करना बिल्कुल मुनाफे का सौदा साबित हो गया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों में स्पीड ही सबसे अधिक मायने रखती है। और यह जो HSTDB का निर्माण किया जा रहा है, इसमें DRDO ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहा है जो 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर दूरी को कवर कर लेगा तो दुश्मन को जरा भी काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलेगा। यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि जब यह 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर दूरी को कवर कर लेगा तो दुश्मन को जरा भी काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलेगा। यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अंदाज नहीं लगा पाएगा कि मिसाइलों को किस गति से किस दिशा से दागा जा रहा है। उधर ब्रह्मोस मिसाइल जिनसे आज भी चीन खौफ खाता है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल के निर्माण होते ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल को और घातक बनाया जाएगा। उधर DRDO ने अभी हाल ही में जिस HSTV नाम के एक व्हीकल का परीक्षण किया है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया था, यही स्क्रैमजेट इंजन ब्रह्मोस 2 में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी। भारत में मौजूद पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मेक 3 के आसपास है, जो 290 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि आने वाली ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 7.5 मेक करने की तैयारी चल रही है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 7.5 गुना तेज। दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भारत भी बहुत आगे चल रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में सबसे बड़ी खासियत इनकी स्पीड होती है, यानी कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान के तरकस से निकल गई तो उसे रोक पाना दुश्मन के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। उधर रूस पहले ही जिरकोन मिसाइल का निर्माण कर चुका है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल माना जा रहा है। वहीं खबरों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल भी जिरकोन मिसाइल की तर्ज पर आधारित होगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।